ब्लीच क्या होता है? ब्लीच बेसिकली ये भी हमारा स्किन ट्रीटमेंट ही होता है। इससे क्या होता है कि आपके जो फेशियल हेयर्स हैं, ठीक है, ब्लीच का जो काम है वो ये है कि आपके फेशियल हेयर्स को आपका जो स्किन टोन है उसके साथ कंबैट करने में, यानी कि मैच करने में हेल्प करता है। हमारे पास कौन कौन सी ब्लीच अवेलेबल है? ब्लीच जॉर्डन के पास चार तरह की ब्लीच क्रीम्स अवेलेबल हैं, ऑक्सी, हर्बल, गोल्ड एंड फ्रूट ब्लीच। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि ब्लीच को किस तरह से करना चाहिए, उसका बेटर वे क्या है? ब्लीच करने के बाद ये जरूरी है कि आप अपने फेस के ऊपर फेशियल करें या फिर जो मॉइस्चराइजिंग क्रीम है या कोई भी क्रीम है फ्रूट वाली, उसके साथ अपने फेस की मसाज जरूर करें। ब्लीच को करने का तरीका यही है कि आप जितनी भी क्वांटिटी आपकी फेस के अकॉर्डिंग जरूरत है उतनी लेके उसके अंदर एक ब्लीच पाउडर होता है, मेक श्योर उसकी क्वांटिटी आप ज़्यादा ना यूज करें, उसको मिक्स करके अपने फेस पर लगाएं। यहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि कुछ लोगों को ब्लीच लगाने के बाद इचिंग होने लगती है, तो आप पहले चेक करें ज़रूर अपने हाथ के ऊपर जब आप ब्लीच को बना रहे हैं मिक्स करके कि आपको इचिंग तो नहीं हो रही है। अगर उनको लगाने के बाद ऐसा लग रहा है 2 से 3 मिनट के बाद कि उनको बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है, उनसे टॉलरेट नहीं हो रही, तो मैं प्लीज़ यही रिकमेंड करूँगी कि इमिडिएटली उसको अपनी स्किन से रिमूव करें, एल्स क्या होगा उनके फेस पे मतलब पिंपल होने के चांसेस हैं, उनकी फेस के ऊपर रेडनेस हो सकती है। एंड आफ्टर दैट जब आप ब्लीच लगा के मतलब उसको 15 से 20 मिनट के बाद आप रिमूव करते हैं तो उसके बाद आप अपने फेस पे क्रीम या फिर एलोवेरा जेल जरूर लगाएं। इससे क्या है आपकी स्किन को मॉइस्चराइजिंग मिलेगी, एलोवेरा से आपके फेस के ऊपर एक कूलिंग इफेक्ट आएगा। जैसे कि अभी आपने बात किया कि ब्लीच करने के बाद हमें फेशियल करना चाहिए, तो फेशियल क्या है? फेशियल एक बेसिकली स्किन ट्रीटमेंट है जो कि आपके फेस के पोर्स को क्लीन करता है, आपकी डेड स्किन सेल को रिमूव करने में हेल्प करता है, साथ ही साथ आपके फेस को एक नेचुरल ग्लो प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। जैसे कि मैं आपसे जानना चाहूँगी कि फेशियल कैसे करना चाहिए और उसको करने के कौन कौन से स्टेप हैं? देखिए, फेशियल करने के हमारे जो स्टेप्स हैं उसमें जो हमारा सबसे पहला स्टेप है वो यही है कि आप अपने फेस को क्लीन कीजिए। क्लीन करने के बाद आप अपने फेस के ऊपर स्क्रब अप्लाई करेंगे। स्क्रब अप्लाई करना है आपने अपने फेस के ऊपर, उसके बाद आपने मिनिमम 3 to 4 मिनट्स अपने फेस के ऊपर मसाज करनी है सर्कुलर मोशन में। मेक श्योर कि आपकी आईज के अंदर नहीं जाए। आफ्टर 3 to 4 मिनट्स आप उसको नॉर्मली मतलब स्पॉन्ज के साथ क्लीन कर दोगे। आफ्टर स्क्रब आप अपने फेस के ऊपर जेल अप्लाई करोगे। अगेन आप मिनिमम 3 to 4 मिनट्स उससे मसाज करोगे और उसको भी आप अपने स्पॉन्ज के साथ क्लीन वाटर के साथ क्लीन कर दोगे। हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि आपने अपनी जो मसाज क्रीम है फेशियल किट के अंदर ही होती है उससे अपने फेस के ऊपर मसाज करनी है। मिनिमम 5 to 6 मिनट्स आपने मसाज करना है। अब इसका आपने क्या ध्यान रखना है कि जो क्रीम है उसको अच्छे से आपने अपने स्किन के अंदर डिजॉल्व होने देना है। लाइक हमने स्क्रब है और जो जेल है उसको हमने स्पॉन्ज के साथ वाइप आउट किया है, क्रीम को हम नहीं करेंगे, क्रीम को हम अच्छे से अपने स्किन के अंदर डिजॉल्व करेंगे। आफ्टर दैट आपने क्या करना है, क्रीम के साथ मसाज करने के बाद आप 2 से 3 मिनट के लिए स्टीम लेंगे। उसमें आप क्या करोगे, आप चाहो तो 2 से 3 ड्रॉप्स तुलसी पाउडर की डाल सकते हो और अपने फेस को अच्छे से स्टीम दो। उससे क्या होगा, जो आपने स्किन के ऊपर क्रीम के साथ मसाज की है वो जो क्रीम है वो अच्छे से आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाएगी, यानी कि अंदर चली जाएगी डीपली और आपकी स्किन को डीपली नरिश करेगी और आपकी स्किन जो है वो ज़्यादा स्मूथ होगी और उसके रिजल्ट जो है वो स्टीम के साथ बेटर आएंगे। आफ्टर स्टीम हमने पैक अप्लाई करना है। पैक भी आपने रिक्वायर्ड क्वांटिटी में लेके एक बॉल के अंदर उसमें आप 2 ड्रॉप्स तुलसी पाउडर डालिए, उसको अच्छे से मिक्स करके अपने फेस के ऊपर लगाइए। अब ध्यान हमने क्या रखना है, कुछ लोग क्या करते हैं जब फेस पैक अप्लाई करते हैं जो उसकी डायरेक्शन है उसको इवन नहीं रखते हैं। लाइक अगर आप डायरेक्शन अपवर्ड में लगा रहे हो तो जो आपकी डायरेक्शन है वो सेम होनी चाहिए, ये नहीं कि आप पहले अपवर्ड जा रहे हो फिर डाउनवर्ड जाओ। इससे क्या होता है आपके फेस पे इवननेस नहीं आती है, रिंकल्स होने के चांसेस बनते हैं। तो जब भी आप फेस पैक अप्लाई करोगे अपना आई एरिया छोड़ के अपने फेस के ऊपर इक्वली अप्लाई करोगे और एक ही डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे। उसको हमने तब तक रखना है जब तक वो कम्प्लीटली आपके फेस के ऊपर सूख नहीं जाता है। और प्लीज़ जब भी आप फेस पैक अप्लाई करते हैं कोई अपने फेस मूवमेंट ना करें और ना ही बात करें, अपनी स्किन को वैसे ही टाइट होने दें। जब वो आपके फेस के ऊपर सूख जाएगा उसके बाद आप उसको हल्का पानी से गीला करके 1 से 2 मिनट मसाज करेंगे
और फिर आप उसको स्पॉन्ज के साथ क्लीन कर देंगे। क्लीन करने के बाद आप नॉर्मली उसको वाटर से अपने फेस को अच्छे से वॉश करोगे, देन लास्ट में आप स्किन टोनर एज पर योर स्किन टाइप उससे अपने फेस के ऊपर लगा लोगे। इस तरह से अगर आप फेशियल करते हैं तो आपके जो फेशियल के रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे मिलेंगे, और मिनिमम 15 दिन में एक बार मैं रिकमेंड करूँगी कि प्लीज़ आप फेशियल करें। इससे क्या है, आपकी जो स्किन है एक तो हेल्दी रहती है, वो यंग रहती है और साथ ही साथ ग्लोइंग रहती है। जैसे कि आपने हमें प्रॉपर टेक्निक बताया फेशियल का, तो इसको करने से हमें जो अपना ग्लोइंग स्किन मिलेगा, और हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी फेशियल किट्स अवेलेबल हैं। फेशियल किट में हमारे पास फेयरनेस फेशियल किट, पपाया फेशियल किट, फ्रूट फेशियल किट, गोल्ड फेशियल किट और डायमंड फेशियल किट है जो हमारे पास अभी अवेलेबल है। और कौन कौन से स्किन टाइप के लिए कौन कौन सा फेशियल किट ज़्यादा बेटर रहेगा? देखिए, जैसे कि फेयरनेस फेशियल किट है वो हम उन लोगों को प्रेफर करते हैं जो अपने स्किन टोन को ब्राइट करना चाहते हैं, स्किन टोन इम्प्रूव करना चाहते हैं। पपाया फेशियल किट क्या करता है, आपके फेस से पिगमेंटेशन स्पॉट्स को रिमूव करने में हेल्प करता है, सो उस केस में हम पपाया फेशियल किट रिकमेंड करते हैं। गोल्ड फेशियल किट, गोल्ड लाइक ग्लो जिनको चाहिए अपने फेस के ऊपर उनके लिए है। डायमंड फेशियल किट पार्टी लुक के लिए है। फ्रूट फेशियल किट का बेसिकली काम जो है आपके स्किन को नरिश करना है, ग्लो देना है। ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन आंसर्स पर्सनल केयर और कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड, जिसको फॉलो करके हम प्रोडक्ट्स का अच्छे से यूज कर सकते हैं। इसको अच्छे से जानने और समझने के लिए सबसे पहले मैं थैंक यू देना चाहूँगी काजल जी आपका, जो आपने अपना कीमती समय हमें दिया और इतनी अच्छी नॉलेज हमें प्रोवाइड करी। और आई मेक श्योर कि आप सभी इन प्रोडक्ट्स का अच्छे से यूज़ करके एक अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं, और कहीं ना कहीं ये आपके बिजनेस को ग्रोथ करने में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय अल्टोस।